तो अंकलेश्वरना जुनादीवा गाम पासे पण वरसादी पाणीए भराई जता लोकोने मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। भारे वरसाद बाद जे स्थिति सर्जाई छे अंकलेश्वर जुनादीवा गाम पासे पाणी फरी वळ्या छे। कांठा विस्तारना अनेक गामडाओमां वरसादी पाणी भराई गया छे। 500 थी वधु लोकोनुं स्थलांतर पण करवामां आव्युं छे। नर्मदा नदीनुं जळस्तर वधता लोकोमां भय जोवा मळी रह्यो छे। सतत नर्मदा नदीनी सपाटी वधी रही छे अने हजु पण नर्मदा नदीनी जल सपाटी वधी शके तेवी शक्यता छे। कलेक्टरना जणाव्या प्रमाणे नदीनुं जळस्तर हजु पण आगामी समयमां वधी शके छे। ज्यारे अंकलेश्वरना स्थानिक कांठा विस्तारना जे गामो छे जे परिस्थिति सर्जाई छे, गाम जाणे बेठमां फेरवाई गयुं होय ते प्रकारनी स्थिति। लोकोना घरमां पण पाणी भराई चूक्या छे। तो गोल्डन ब्रिजना आ दृश्यो जहाँ नर्मदा नदीनी जलसपाटी सतत वधी रही छे, तो कांठा विस्तारना जे रहेणाक विस्तारो छे त्यां जे परिस्थिति सर्जाई छे। नदीना पाणी आसपासना कांठा विस्तारमां फरी वळ्या छे अने लोकोने पारावार मुश्केलीઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અંકલેશ્વરના જુનાદીબા ગામના આ દ્રશ્યો જ્યાં સમગ્ર ગામ જાણે બેટમાં ફેરવાઈ ગયું હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। સ્થાનિક રોડ રસ્તા પરથી નદીના પાણી ફરી વળતા વાહન ચાલકો સહિત જાણે જનજીવન હવે થંભી ગયું હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે।